हो गई तुम्हारी? नहीं नहीं आंटी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैंने कुछ खाया नहीं था तो चक्कर आ गए। आए, मैं आपके इंतजाम में मदद कर दूँ? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, आराम करो। और तबीयत खराब हो जाएगी बेटा, तुम आराम करो। नहीं आंटी, मुझे अब आराम की जरूरत नहीं है। तो आप चले ना, मैं आपकी मदद करती हूँ। आए आ जाए। ये इतना सच सवर के कहां जा रही हो? किसकी खुशी मना रही हो? वो कंदील ने कहा था। कंदील ने जो भी कहा था, आई डोंट केयर। मैं तो तुम्हें देख के ये सोच रहा हूं कि तुमने ये इतनी तैयारी जो ओ मैं तो भूल गया था तुमने ये तैयारी वली के लिए की है ना? है ना? हाँ, लेकिन भैया वली का निकाह तो तुमसे नहीं हो रहा ना, उसका निकाह बलवशा से हो रहा है। लेकिन ठीक है, मैं समझ सकता हूं तुम्हारे जज्बात को। तो एक अच्छा शौहर होने के नाते मैं तुम्हें ये खुशी मनाने की इजाजत देता हूं। जितना तैयार होना है हो जाओ, जाओ मना लो तुम ये खुशी। हाँ प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह, किसी की नजर ना लगे। चश्मे बद्दूर, रस्म करे हो? कैसी रस्म? सुरमा लगाने की रस्म जो बिया करेगी। क्यों बिया क्यों करेगी? हाँ बेटा, ये रिवाज है, बड़ी बहू लगाती है सुरमा। बिया है ना बड़ी बहू, वही लगाएगी। और बहुत ढेर सारा नेक भी देना पड़ेगा उसे तुम्हें। रोके इसे। क्यों? बिया क्यों रस्म करेगी? और मेरे कहने का मतलब है कि रस्म करना जरूरी क्यों है? नहीं बेटा, अब देखो ये रिवाज है हमारे खानदान के, तो करना ही पड़ेगा ना। इतनी देर हो गई है बेटा, अब तुम नहीं बोलोगे? वो लोग हमारा इंतजार कर करके बेचारे परेशान हो रहे होंगे। बारात लेके जानी है, जल्दी करो। और बिया के लिए तुमने जेब में बहुत सारे पैसे रख लिए ना नेक के लिए। अब जितना नेक कहेंगी मैं दे दूंगा माँ, जितना नेक कहेंगी। बस खुदा का वास्ता है बिया, मेरे कहने का मतलब यह है कि ये रस्में वस्में पसंद नहीं है मुझे माँ, समझने की कोशिश कीजिए। खुदा का वास्ता है ये रस्में मत कीजिए।
आदमी के साथ खड़ा क्या बातें कर रहा है? तानिया कैसे जानता है इस शख्स को? ये तो वही है जिसने मुझे किडनैप किया था। ये हमारी कैद में और राजू की कैद से निकलना इतनी आसान बात नहीं है। दानियाल नहीं जानता होगा कि ये वही आदमी है, लेकिन इतने सारे लोगों में मैं ऐसे कहूंगी क्या? दानियाल को बुरा लग गया तो, लेकिन ये शख्स हाथ से निकल गया तो मैं इसे दोबारा कैसे तलाश करूंगी? पहले भी मेरा किसी ने यकीन नहीं किया। देवी जी, आपको अंदर रसम के लिए। साहब जी, साहब जी। सुरमा लगाने की रस्म मत कीजिए। रस्म तो करनी पड़ेगी। बिया बीबी बेहोश हो गई हैं। कंदील बेटा, लगता है तुम्हारी अम्मी अपनी बहू का ख्याल नहीं रखती। अब बहू बना लिया है तो कम से कम निभाएं तो सही। वो उसका ख्याल रखती हैं आंटी। अच्छा, वैसे लगता तो नहीं। जी जी बाबा जी, हॉस्पिटल में ही हूँ मैं। हाँ जी। नहीं भैया, तो अभी तक अंदर है, डॉक्टर्स ने कुछ बताया भी नहीं। पता नहीं बाबा जान क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई है मुझे और भैया को। अब तुम्हारा रिश्ता भी इतना अच्छा हो गया था, इतने खुश थे हम दोनों एक दूसरे के साथ। जी जी, मैं एक पैर पर खड़ा यहीं ड्यूटी दूंगा, आप बेफिक्र हो जाइए। जी, सदके के बकरों का भी कह दिया बाबा जान, जैसे ही डॉक्टर्स कुछ बताते हैं मैं आपको बताऊंगा। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। बात सुनो, तुम्हारी बीवी का हर मौके पर ड्रामा करना बहुत जरूरी होता है, कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती, बेहोश हो जाती है। मैं तो खुद बहुत बेजार आ गया हूँ इससे मामा, बस जल्दी जल्दी जान छूट जाए किसी तरह इससे। एक वली को देखो, कितनी अच्छी लड़की मिली है जिससे वो शादी कर रहा है, एक तुम हो, तुम्हारे साथ ये ड्रामेबाज। हाँ तो ये ड्रामेबाज बाबा जान की मेहरबानी की वजह से मेरे साथ है, वरना ये मेरी क्लास की कहाँ है, कब का बाहर निकाल के फेंक देता इसे। इसे तो घर भेजो, ये बजात क्यों हमारे सर पर मंडला रहा है? इसके खून में तो मिलावट है, ये चाहता है कि हमारी आने वाली नस्लों में भी मिलावट हो। बिया का सगा बना हुआ है, इसीलिए तो खड़ा हुआ है वो। अरे मामा, खड़ा है तो खड़े रहने देना उसे, आपको क्या कह रहा है? पहले कम तमाशे हुए हैं कि अब वो कुछ सुन लेगा तो नया तमाशा कर देगा। तो सुन ले, मैं तो चाहती हूँ कि वो सुने और जाए अपनी बसात माँ के पास। एक मिनट। हेलो। हाँ जी, परिहाब, परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, बस एक घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे ना। हाँ, वली हॉस्पिटल में है। नहीं, अभी तक डॉक्टर्स ने कुछ बताया ही नहीं। हाँ ठीक है, जैसे इत्तला मिलेगी मैं तुम्हें बता दूंगी। बस क्या कहूँ मैं तुमसे, बच्ची की अचानक तबीयत ऐसे ख़राब हुई कि बस परेशानी में मुब्तला हो गए हम लोग सब। चलो ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़। भाभी बेगम, देखें इस तरह बारात देर से लेके जाना मुनासिब नहीं है, शादी ब्याह के मामले बहुत नाजुक होते। मतलब क्या है आपका, कहना क्या चाह रही हैं आप? देखें बात साफ और सीधी है, हमें यूं देर नहीं करनी चाहिए। वली के ससुराल का मामला है, उन्हें बुरा भी लग सकता है, आप वली को फौरन बुलाएं।
कमाल करती हैं आप शायदा, बच्ची की इतनी बुरी हालत है और हम लोग बारात लेके चले जाएं। देखें उसके पास दानियाल और नरवीन भाभी हैं ना, तो काफी है। वली का वहां क्या काम? यानी मैं बगैर घर वालों के बारात लेके वहां पहुंच जाऊं? कैसी बात कर रही हैं आप, थोड़ा सा इंतजार कर लेते, वो लोग आ जाएंगे थोड़ी देर में। किसी को कोई बात समझाना ही फजूल है, हर कोई अपना राग लापना शुरू कर देता है। आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी को वो सब कहां दिखाई देता है जो शाहिदा बेगम की आंख देख लेती है। अब ऐसा क्या देख लिया आपकी आंख ने? वली की अपनी भाभी के लिए गैर जरूरी हमदर्दी, और फिर इस तरह वली का निकाह छोड़ के चले जाना। बिया का अपना शौहर है, वो उसका ख्याल रख सकता है, फिर ये सब किसी को दिखाई क्यों नहीं देता? आप किस किस्म की बातें करती हैं? अगर आपकी ये बातें किसी ने सुन ली तो वो क्या सोचेंगे? बिया वली की कजन है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वली का थोड़ी सी हमदर्दी कंसर्न शो करना आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है? देखो बेटा, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, जिस सब समझ में आ। डॉक्टर साहब, कैसी है अबिया? पेशेंट से आपका क्या रिश्ता है? हस्बैंड हैं आप उनके? जी नहीं, मैं शौहर हूं बिया का। कैसी है बिया? उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, घर में कोई स्ट्रेस था, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम चल रही थी? नहीं नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है बिया, हम दोनों तो आपस में बहुत खुश हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। इनफैक्ट मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो एक्सपेक्ट कर रही है। आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं उनसे? उनको किसी किस्म की एंजाइटी है, आई बिलीव उनको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। नर्वस ब्रेकडाउन? ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मेरी बिया वो तो इतनी हंसती खेलती, उसका नर्वस ब्रेकडाउन कैसे हो सकता है? मामा ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज मुझे बता दीजिए, मेरी भैया ठीक तो है ना? उसे कुछ होगा तो नहीं? अभी वो रिकवर कर रही है वैसे तो, लेकिन ये है कि नर्वस ब्रेकडाउन और एंजाइटी के अंदर फिर पेशेंट में थोड़ा टाइम लगता है, चीजें अनप्रेडिक्टेड होती हैं। और मेरा बच्चा वो तो ठीक है ना? देखिए गिरने की वजह से और उनके ट्रामा की वजह से हम बच्चे को नहीं बचा सके, अब अल्लाह से दुआ करें इंशाल्लाह बेहतरी। सही कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि इंसान नहीं हो तुम, जानवर हो, जानवर। वली फोन उठाओ, वली क्या हो गया है? या अल्लाह क्या करूं? क्या हुआ था जान? वली फोन नहीं उठा रहा है अपना, तुम्हारी दानियाल से बात हुई? बिया कैसी है? बिया की तबीयत ठीक नहीं है, उसका मिसकैरेज हो गया है, शी इज वेरी क्रिटिकल। क्या हो रहा है? आपने देखा है मामा कैसे बकवास करके गया है मेरे सामने से? इससे क्या होता है दानियाल, तुम तो शुक्र करो इस बच्चे से तुम्हारी जान छूट गई, इस मनोज से भी जान छूट जाएगी, फिर तुम अपनी जिंदगी सुकून से गुजारना। मुझे तो यही उम्मीद थी कि ये शादी करके अपनी जिंदगी में मगन हो जाएगा, लेकिन नहीं, अब तुम्हारे बाबा जान से मुझे बात करनी होगी। अगर ये बिया का इतना ही सगा है तो उससे शादी कर लेता ना, तुम्हें क्यों फंसाया? नहीं मामा नहीं, ये ऐसे बाज नहीं आएगा। आज इसका निकाह है और ये यहां खड़ा है, जो कुछ भी उसके लिए इससे अच्छा मौका नहीं होगा हमारे पास। क्या मतलब? मैं बताता हूं आपको।
क्या हुआ पिया, क्या तबीयत खराब हो गई तुम्हारी? नहीं नहीं आंटी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैंने कुछ खाया नहीं था तो चक्कर आ गए। आए मैं आपके इंतजाम में मदद कर दूँ? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, आराम करो और तबीयत खराब हो जाएगी। बेटा तुम आराम करो। नहीं आंटी, मुझे अब आराम की जरूरत नहीं है। तो आप चले ना, मैं आपकी मदद करती हूँ। आए आ जाए। मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।